स्टार्ट हुआ। आवाज आ रही है बच्चों? टॉपिक है जी हमारा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। जो उस दिन हमने न्यूरॉन पढ़े थे, बल्कि पढ़ा था, एक ही न्यूरॉन पढ़ा था, उसका सेल हमने देखा था किस तरह का है, उसकी बाकी स्ट्रक्चर। तो ओवरऑल हमारे जो बॉडी है उसके अंदर अगर हम देखें तो थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरॉन है, थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन की थ्री टाइप्स है। पहले हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, दूसरे हैं मिक्स न्यूरॉन्स, ये इसको हम थर्ड नंबर पे ले जाते हैं। दूसरे आपके पास हैं मोटर न्यूरॉन्स और थर्ड नंबर पे हैं मिक्स न्यूरॉन्स। ठीक है जी, सेंसरी न्यूरॉन, नेमिंग का क्या बता रहा है, ये क्या करते हैं, सेंस करते हैं, मीन ये फील करते हैं, मैसेज को लेते हैं। ठीक है, कहां पे लेके जाएंगे मैसेज को, ये रिसीव करते हैं एट द रिसेप्टर, रिसेप्टर पे रिसीव करते हैं और इसको भेजते हैं टुवर्ड द सीएनएस। न्यूरो के सीएनएस का क्या मतलब है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रिसेप्टर पे रिसीव करते हैं, भेजते हैं इसकी तरफ। मैं लास्ट में ये बात बताता हूँ आपको। अब रिसेप्टर्स कौन कौन से हैं, रिसेप्टर्स जो है हमारी बॉडी के अंदर टू टाइप्स के होते हैं, कुछ सेल रिसेप्टर हैं, कुछ हमारी बॉडी के ऑर्गन रिसेप्टर हैं। जो सेल रिसेप्टर है उनको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते, जिसमें पुरकंजी फाइबर्स हैं और इस तरह के बाकी सेल्स, लेकिन हम इनको डिस्कस नहीं करते यहाँ पे, आपके लेवल की बात नहीं है। ऑर्गन जो है वो कौन से हैं, आईज हैं, ईयर हैं, नोज है, ठीक है, स्किन है और टंग है। ये मैसेज को रिसीव करते हैं, सो इनको हम कहते हैं रिसेप्टर। इसको ये भेजते हैं किसकी तरफ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, मीन किसकी तरफ भेजेंगे, ब्रेन की तरफ और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ भेजेंगे। ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की तरफ भेजेंगे। ब्रेन जो है वो स्कल के अंदर जो न्यूरॉन है इनको ब्रेन कहते हैं, जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर है इनको क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। इनकी जो शक्ल है उसको अगर हम देखें तो ये इनकी सेल बॉडी है, इनके साथ इसका एग्जाम जो है वो छोटा होता है, लेकिन जो इनके डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट्स इनके लंबे होते हैं और दूर दूर तक ये फैले हुए होते हैं, ताकि दूर दूर से मैसेज को लेके आए। तो ये है सेंसरी न्यूरॉन। फिर आ जाते हैं मोटर न्यूरॉन, ये वो न्यूरॉन है जो मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेके जाते हैं किस तक, अफेक्टर्स तक। बात वही आ गई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन सा है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। अफेक्टर्स आगे बॉडी के मसल आगे। लेट्स से ये आपका आर्म है, इससे मसल लगे हुए हैं, ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। आपके हाथ पे कोई चीज चुभती है
ये मैसेज यहाँ पे रिसीव करेंगे, सेंसरी न्यूरॉन लेके जाएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। ब्रेन कहता है बाजू पीछे हटाओ, ये तो न्यूरॉन हुए, कौन से मोटर न्यूरॉन है जो मसल्स को देंगे, मसल्स कंट्रैक्ट होंगे तो बाजू यहाँ से मुड़ जाएगा, इसी का जाएगा। ठीक है, अब इनको अगर हम देखें तो इनका जो डेंड्राइट है वो छोटे होते हैं और जो एग्जान है वो क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक हो गया बच्चों, लास्ट में आ जाता है थर्ड टाइप मिक्स न्यूरॉन। याद रहे कि मिक्स न्यूरॉन के होल नेम भी है, इसको हम इंटर न्यूरॉन भी कहते हैं। इंटर न्यूरॉन, मिक्स न्यूरॉन, ये नाम इनके बहुत सारे हैं। ठीक है, मिक्स भी कहते हैं, इंटर भी कहते हैं। क्यों मिक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये काम करता है किस वाला, सेंसरी वाला भी और मोटर वाला भी, तो इसको हम कहते हैं मिक्स है। इंटर क्यों कहते हैं, क्योंकि इन दोनों के ना तो पूरे ये सेंसरी होते हैं ना पूरे ये मोटर होते हैं, तो इसको इंटर कहते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो बच्चों ये जो न्यूरॉन है इनको अगर हम देखें, इनकी डेंड्राइट्स और इनका एग्जाम सेम साइज के होते हैं, दोनों काम कर रहे होते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये न्यूरॉन कहाँ काम पे हैं। तो बच्चों जो सेंसरी न्यूरॉन है वो तो इन ऑर्गन के अंदर है, मोटर न्यूरॉन आपको पता है वो वापस आ रहे होते हैं और मसल्स को मैसेज देते हैं, ब्रेन से आ रहे होते हैं। मिक्स न्यूरॉन कहाँ पे होते हैं, ये होते हैं एक तो होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, दूसरा ये होते हैं किसके अंदर, ब्रेन के अंदर। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो न्यूरॉन है उनको हम कहते हैं ये मिक्स न्यूरॉन है और इंटर न्यूरॉन है। क्लियर है बात? तो यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।